हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल से संबंधित डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं मैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 15 मिनट ज़्यादा समय लगता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वे में सबसे लंबी चेन लाइन को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन सही है आपका, कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे लाइन के समकोण में लिए गए माप को क्या कहते हैं? दूसरा ऑप्शन दो का क्या है? पहला ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं? समकोण ऑफसेट कहते हैं, समकोण ऑफसेट, समकोण, समकोण ऑफसेट। समकोण ऑफसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन, सर्वे लाइन के समकोण में नहीं लिए गए माप को क्या कहते हैं? कहते हैं सर्वे लाइन के समकोण, सर्वे लाइन के समकोण में नहीं लिए गए माप को क्या कहते हैं? तो तीसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा का बी ऑप्शन से टाई लाइन अपसेट। क्या कहते हैं? बी ऑप्शन से टाई लाइन अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेखा की बियरिंग क्या है? किसी रेखा की बियरिंग क्या है? ए चार ऑप्शन सही है। चार का बी ऑप्शन सही है। क्या है? किसी संदर्भ रेखा के सापेक्ष क्षैतिज कोण, किसी संदर्भ रेखा के सापेक्ष क्षैतिज कोण। तो चौथा का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर का, पाँच नंबर, डब्ल्यू सी बी का डिकोड क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ए सही है, ए ऑप्शन सही है, होल सर्विस बियरिंग। बी पाँच का क्या कह रहा है? डब्ल्यू सी बी का पाँच नंबर, पाँच का ए ऑप्शन सही है, होल सर्विस बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे की दिशा में, सर्वे की दिशा के विपरीत दिशा में मापे गए कोण को क्या कहते हैं? तो सिक्स का ए बैक बियरिंग कहते हैं, बैक बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वे की दिशा में मापे गए कोण को क्या कहते हैं? सर्वे की दिशा में मापे गए कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, फॉरवर्ड बियरिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ नंबर, आर्टिकल थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो आठ का ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है, 20 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड टी टू थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है? नौ का डी ऑप्शन सही है, 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल स्टेशन क्या मापने में सक्षम है? टोटल स्टेशन क्या मापने में सक्षम है? तो ये कोण और दूरी, कोण और दूरी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप को ऊर्ध्वाधर तल से 180 डिग्री से घुमाकर दृष्टि रेखा को उलट दिया जाता है, उसे कहते हैं? 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर का ए ऑप्शन है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ए ऑप्शन सही है, ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल से, 12 नंबर का क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर तल से किसी बिंदु की ऊंचाई या स्थिर मालूम करने की कला को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बी ऑप्शन सही है,
लेबलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, लेबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात ऊर्ध्वाधर के स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, ज्ञात ऊंचाई के स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बेंचमार्क कहते हैं, बी ऑप्शन बेंचमार्क कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, मध्यवर्ती स्टेशन पर उपकरण बदलते समय कितने डिग्री लिए जाते हैं, क्या है 14 नंबर, मध्यवर्ती स्टेशन पर उपकरण बदलते समय कितने डिग्री लिए जाते हैं, तो ये आपका 14 का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, बीजी ट्रैक पर कर्व की अधिकतम डिग्री कितनी होती है, तो ये 15 का बी ऑप्शन सही है, 10 डिग्री कितना होता है, 10 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पर ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में बिछाया जाता है, तो 16 का बी ऑप्शन है, क्यूबिकल पैराबोला, क्या है बी ऑप्शन है, क्यूबिकल पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बीजी ए रूट पर अधिकतम अनुमत कैंट कितना होता है, 17 का बी ऑप्शन 165 कितना होता है, 165 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कर्व का वर्साइन किस कार्ड पर मापा जाएगा, तो ये आता है 18 का बी ऑप्शन सही है, 20 मीटर कितना होता है, 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, क्या है 19 का बी सही है, 44 mm, कर्व पर चेक रेल का न्यूनतम अंतराल कितना होता है, तो बी ऑप्शन सही है, 44 mm कितना होता है, 44 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कर्व पर चेक रेल की अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो 20 का ऑप्शन सी सही है, कितना सी सही है, 48 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, जीरो कर्व के किस रेल पर चेक रेल लगाई जाती है, तो 21 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 21 का बी भीतरी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री से अधिक कर्व पर चेक रेल लगाई जाती है, तो 22 का बी ऑप्शन सही है, 8 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मीटर की कार्ड पर सेंटीमीटर में वर्साइन कर्व की डिग्री के बराबर होता है, तो 23 का बी ऑप्शन सही है, 11.83 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी टर्न आउट पर अधिकतम कैंट की कमी होती है, 24 का बी ऑप्शन सही है, 24 का बी क्या होता है, 75 mm, क्या है, 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बीजी टर्न आउट पर अधिकतम कैंट की अधिकता होती है, तो कितना होती है, 25 का बी ऑप्शन सही है, 75 mm कितना, 75 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी पर काल्पनिक ट्रांजिशन की लंबाई कितने मीटर होती है, तो 26 का बी ऑप्शन सही है,
26 का बी ऑप्शन सही 14.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, प्लेटफार्म लाइन पर कर्व ट्रैक के अंदर की ओर एक्स्ट्रा क्लियरेंस में से कितने mm घटाया जाता है? तो 27 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 27 का बी 51 mm, कितना 51 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटफार्म लाइन पर कर्व ट्रैक के बाहर की ओर एक्स्ट्रा क्लियरेंस में से कितने mm घटाया जाता है? तो 28 का बी ऑप्शन सही है, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन के सूत्र में जी का मान कितने mm होता है? 24 का बी 24 का बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन क्या कह रहा है, सुपर एलिवेशन के सूत्र में जी का मान कितने mm होता है? तो 1750 mm, कितना होता है 1750 mm होता है, 29 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजी के लिए टर्नआउट कर्व की अधिकतम डिग्री कितनी होती है? तो 30 का बी ऑप्शन सही है, लिखा बीजी के लिए टर्नआउट की अधिकतम डिग्री होती है तो ये होती है 8 डिग्री, 8 सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन कर्व के आरंभ में सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो 31 का बी ऑप्शन सही है, 31 का बी ऑप्शन होता है 0, कितना होता है 0 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, ए व बी रूट पर कर्व की निरीक्षण की आकृति होती है तो ये होती है कितना, 32 का ए ऑप्शन सही है, 4 माह, निरीक्षण कितना होता है 4 माह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के अलावा अन्य रूट पर कर्व की निरीक्षण की आकृति होती है तो ये होता है 33 का बी 6 माह, कितना होता है 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ग्रेडियंट की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो 34 का ए ऑप्शन सही है, 1:360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजी ए रूट पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है? 35 का बी ऑप्शन सही है, 400। क्या बीजी ए रूट पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या होती है 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी रूट पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितनी है बी पर? तो ये होती है ए ऑप्शन सही है 3000, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ग्रेड के मिलान पर बीजगणितीय अंतर कितने mm के बराबर या अधिक होने पर वर्टिकल कर्व बिछाना चाहिए? तो 37 का बी ऑप्शन सही है, 37 का बी ऑप्शन सही, 4 mm प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन, वी जापर 110 के एमपीएस से अधिक गति के लिए कर्व के रीअलाइनमेंट के लिए वर्साइन में बदलाव की सीमा कितनी होती है? 38 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है, बी जी पर वी जी पर
वी जी पर 110 के एमपीएच गति के लिए कर्व के रीअलाइनमेंट के लिए वर्साइन में बदलाव की सीमा कितने एमएम है? तो 39 का सी ऑप्शन सही है, 15 एमएम। कितना है? 15 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है, लिखा है वी जी पर 50 के एमपीएच से अधिक या 110 के एमपीएच से कम गति के लिए कर्व के रीअलाइनमेंट के लिए वर्साइन में बदलाव की सीमा कितने एमएम है? तो ये 40 का डी ऑप्शन सही है, 40 का डी, 20 एमएम। कितना होता है? 20 एमएम। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन, ये 40 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 40 के आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।